बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ बहुत दिनों के बाद। इस पाठ में हम निम्नलिखित बातों को जानेंगे। पाठ परिचय, बहुत दिनों के बाद प्रकृति को देखने की खुशी, पाठ से जुड़े शब्दों के शब्दार्थ और बात से जुड़ा कुछ प्रश्न। बहुत दिनों के बाद, यह कविता नागार्जुन द्वारा रचित है। इस कविता में आज के परिवर्तनशील युग में सब कुछ बदल रहा है। चारों ओर वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक क्रांति हो रही है। प्रगति की होड़ में सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति का प्राकृतिक रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे में मानव मन प्राकृतिक सौंदर्य देखने को तरस उठता है, और जब उसे यह अवसर प्राप्त होता है तो कैसे तृप्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। नागार्जुन का जन्म 1911 में तौरोनी ग्राम जिला दरभंगा में हुआ। नागार्जुन जनवादी तथा प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बहुत समय बीत जाने के बाद आज मैंने पूरे मन से और पूरी संतुष्टि से पकी हुई सुनहरी फसलों की मुस्कान को देखा, अर्थात खेतों में फसलों को देखा है, उनके प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है, फसलों से लहराते खेत की खूबसूरती को देखा है। कवि कहते हैं कि बहुत समय बीत जाने पर उन्होंने आज इस वातावरण को देखा है, जहां पर कई किशोरियां धान की कुटाई कर रही है, और इस दौरान वे सुंदर कंठी ताल सुना रही है, जिसे सुनकर कवि को बहुत आनंद का अनुभव होता है। इन पंक्तियों में कवि का ऐसा कहना है कि कई समय बाद उन्होंने आज ऐसे फूलों को सुना है, ऐसे फूलों का अनुभव किया है, जिसकी खूबसूरती और जिसके सुगंध की कोई सीमा नहीं, जो प्रकृति को और भी खूबसूरत बनाती हो। मौलसिरी के फूल, जो कि प्रकृति के एकदम समीप और एकदम ताजे तुरंत खिले हुए हैं। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बहुत समय के बाद वह गांव आकर और प्रकृति के इतने समीप आकर गांव की चंदन रूपी जो धूल है उसे स्पर्श कर वह अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने दिनों के बाद गांव लौटकर उन्हें इस धूल की महत्वता समझ आ गई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का ऐसा कहना है कि इतने दिन दूसरे स्थानों पर भटकने के बाद जब अब कवि अब वापस अपने गांव आते हैं तो इस प्राकृतिक के बीच में उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। उन्होंने अपने मन भर तल मखना खाया, गन्ने का रस चूसा जो दूसरे स्थानों पर अत्यंत दुर्लभ था, वैसे ही वस्तुओं का आनंद लिया। अंत में कवि यही कहते हैं कि इतने समय में उन्होंने जो कुछ खोया था उन सब को दिल खोलकर पूरे समय का लाभ उठाते हुए जी भर कर सब वस्तुओं का आनंद लिया, जैसे कि फूलों की सुगंध, सुंदर सुंदर फलों का स्वाद और आनंद लेने वाले स्थानों का भोग, और इन सब में कवि को बहुत आनंद आया। पाठ से जुड़े शब्दों के शब्दार्थ, मौलसरी, ताल मखाना, चंदन वर्णी। शब्दों का अर्थ, मौलसरी यानी कि बकुल, एक पेड़ जिसके फूल बहुत मधुर सुगंध वाले होते हैं। ताल मखाना यानी कि ताल में पनपने वाला एक पौधा जिसके बीज खाने तथा यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं। चंदन वर्णी यानी चंदन के रंगों की। आज से जुड़े प्रश्न, एक, कवि को प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन किस प्रकार हुए? दो, कवि ने गांव में किसकी मुस्कान देखी? प्रश्नों के उत्तर, एक, कवि को प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन गांव में आकर हुआ। गांव की प्रकृति स्वच्छ और शानदार थी। कवि ने वहां कई प्रकार के सुंदर सुगंध वाले पुष्पों का दर्शन किया, सुंदर दृश्य उत्पन्न करने वाले फसलों का दर्शन किया जो बककर खेतों में लहलहा रहे थे।
उन फलों और बीजों को खाया जो प्रकृति की गोद के सिवाय कहीं और मुमकिन नहीं है। 2. कवि ने गांव में पके हुए लहलहाते फसलों की मुस्कान देखी। तो बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।